नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज नामीबिया से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। इन सभी चीतों को स्पेशल चार्टर फ्लाइट के जरिए पहले ग्वालियर लाया जाएगा, जिसके बाद इन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिवस के मौके पर इन सभी चीतों को उनके खास बाड़े में छोड़ेंगे। यहां काम करने वाले लोगों ने बताया कि कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों के आने से उम्मीद जताई जा रही है कि इन चीतों को देखने के लिए भारत समेत दुनिया भर से लोग आएंगे, जिससे यहां टूरिज्म में भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। टूरिज्म बढ़ने से यहाँ रहने वाले लोकल लोगों के लिए नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। आइए अब बात करते हैं कूनो नेशनल पार्क की, जहाँ इन चीतों को लाया जा रहा है। कूनो नेशनल पार्क में फूलों और जीवों की कई तरह की प्रजातियां। इस नेशनल पार्क में पेड़ों की 123 प्रजातियां, झाड़ियों की 71 प्रजातियां, क्लाइंबर्स एंड एक्जॉटिक स्पेसीज की कुल 32 प्रजातियां, घास और बांस की 34 प्रजातियां, स्तनधारियों की 33 प्रजातियां, पक्षियों की 206 प्रजातियां, मछलियों की 14 प्रजातियां, रेप्टाइल्स की 33 प्रजातियां और उभयचरों की 10 प्रजातियां हैं। फूलों और जीवों दोनों प्रजातियों की इतनी बड़ी संख्या कूनो नेशनल पार्क को जिंदा बनाती है। कूनो नेशनल पार्क में पाए जाने वाले जीवों की प्रजातियों में चित्तीदार हिरन या चीतल, सांभर वार्किंग हिरन या काकड़, जैसिंघा या चैसिंघा नीलगाय या नील बैल, भारतीय गजेल या चिंकारा, काला हिरन, भारतीय बाइसन तेंदुआ, जंगली कुत्ता या ढोले धारीदार, लकड़बग्घा, भारतीय भेड़िया, सियार, जंगली सुअर, भालू, लोमड़ी, जंगली बिल्ली, डेजर्ट कैट, आम पाम सिविट, छोटा भारतीय कस्तूरी बिलाव, ग्रे नेवला, छोटा भारतीय नेवला, रूडी नेवला, भारतीय खरगोश, भारतीय सेही गार्बिल, इंडिया ट्री, श्रू लंगूर, रिसस बंदर आदि जानवरों की मुख्य प्रजातियों में है। अब अगर आप कूनो नेशनल पार्क जाना चाहते हैं तो आप ग्वालियर के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। इस नेशनल पार्क के 3 प्रवेश द्वारों टिकटोली, अहेरा, पीपल पावड़ी आने के लिए ग्वालियर सबसे करीबी हवाई अड्डा है। ग्वालियर, कोटा और जयपुर शहरों में हवाई अड्डे हैं, जिनमें से जयपुर में भारत के विभिन्न हिस्सों के लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। इसी तरह ग्वालियर, सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर और झांसी कूनो के पास के रेलवे स्टेशन है, जहां से आपको कूनो नेशनल पार्क के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। कूनो नेशनल पार्क मैनेजमेंट के 4 रेस्ट हाउस हैं, जहां आप आराम से स्टे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहां एडवांस बुकिंग की ज़रूरत होती है। आप कूनो नेशनल पार्क के ऑफिस में फ़ोन करके यहां रेस्ट हाउस बुक करा सकते हैं। अगर यहां बुकिंग फुल रहती है तो कूनो नेशनल पार्क के पास ही मध्य प्रदेश टूरिज़्म का रिजॉर्ट है, जहाँ आप आसानी से अपने लिए कमरा बुक कर सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।